हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है इस लाइव टेस्ट में। आप लोग जरा जल्दी से लाइव आ जाइए और आज की क्लास की शुरुआत की जाए, क्योंकि बच्चों हमारा क्या है कि एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और हमारे जानकारी के अनुसार मैं ये बता दूं कि इस बार जो है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या एग्जामिनेशन में 10% ज़्यादा होने वाली है, यानी कि पिछले साल के अपेक्षा। और तो आप लोग जरा जल्दी से इस लाइव सेशन में आ जाइए, फिर आज के क्लास की शुरुआत की जाए। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला ही प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और आज का जो चैप्टर है बच्चों, ठीक है, इसे लिखना में भूल गया, आज का चैप्टर है ये है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन यानी इसको कहते हैं द्विधारी संक्रिया, यही चैप्टर है। और इस बार हमने काफ़ी सोचा और समझा और उसके बाद में हमने ये तय किया कि एनसीईआरटी में जितने भी हमारा जो भी है, जैसे कि हमारा है फंक्शन, उसमें 4 चैप्टर है, तो चैप्टर वाइज इस बार टेस्ट लिया जाए और उसी के हिसाब से हमने प्रश्न तैयार किया है, ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या आपको हमारे लाइव टेस्ट सीरीज खत्म होते होते काफ़ी लगभग अप्रोक्स मेरे अंदाज से 1000 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो इतना आप यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो मेरे साथ, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों आज की क्लास की शुरुआत की जाए और देखिए पहला ही प्रश्न, देखिए आप बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है देखिए बाइनरी ऑपरेशन का चिन्ह है, ठीक है। कहता है यदि द्विधारी संक्रिया जेड प्लस यानी जेड प्लस बोले तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है, पर इस प्रकार परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए इंटू बी, तो कहता है क्या यह बाइनरी ऑपरेशन को परिभाषित करता है। इसमें दो टूक यानी सिर्फ यस या नो में जवाब देनी है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग भीड़ बढ़ाइए और इस प्रश्न का आंसर कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा और ये क्वेश्चन को हम किस प्रकार से पहल करेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर दो ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चों हाँ और दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो आपको बताना है सिर्फ हाँ और ना में आंसर करना है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लोग का आंसर आना शुरू भी हो गया है, कुछ बच्चे हाँ भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं भी कह रहे हैं, ए और बी ऑप्शन दोनों साथ साथ आ रहा है। तो देखिए बच्चों मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, इसको आप इत्मीनान पूर्वक से ध्यान से देखिए। देखिए हमारा दिया हुआ क्या, ए ऑपरेशन बी बराबर दिया हुआ ए इंटू बी दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो इसको मान ले बच्चों पहला मान लो हमेशा, और इसको क्या मान लो दूसरा, यानी पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर क्या दिया हुआ है, तो पहला गुना दूसरा, ठीक है, पहला गुना दूसरा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन कब हो गया, तो पहला यानी कि ए भी क्या होना चाहिए ना, जेड प्लस होना चाहिए, और दूसरा दूसरा भी जेड प्लस होना चाहिए, और ए इंटू बी यानी ए इंटू बी का रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, जेड प्लस होना चाहिए, तब हमारा बाइनरी ऑपरेशन को सक्सेस करेगा। सपोज डेट बच्चों मैं ले लूँ एक ऑपरेशन दो, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तो पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर है पहला गुने दूसरा, यानी कि ये हो जाएगा दो, यानी ये भी हमारा जेड प्लस आ गया बच्चों, यानी कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन को बताता है, यानी कि पहला ऑप्शन में इसे टिक करो, पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को आप परिभाषित कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है बच्चों इस लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, और इसमें एक से एक टिप्स आपको बताने वाला हूँ, आप हमारे साथ जुड़ कर रहिए, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज लंबा चलने वाला है, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, इसलिए मैं शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ और पर डे आपको 11 बजे हम आपके साथ लाइव रहेंगे। तो चलिए बच्चों पहले अब कुछ बातें कर लीजिए और दूसरे प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं और दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि दूसरा प्रश्न आपका क्या है। तो दूसरा प्रश्न भी काफी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। कहता है देखिए यदि द्विधारी संक्रिया आर, आर मीन्स वास्तविक संख्या, यहाँ पर आर जो है हमारा, ये आर जो है ना बच्चों, ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या ये, तो वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, तो योगफल का तत्सम अवयव क्या होगा, ठीक है। चूंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या है कि हमारा आर क्रॉस आर से आर में
हमारा क्या होता है, बाइनरी परिभाषित होता है, इस चीज को आप जान लीजिए। तो कहता है ना कि योगफल का तत्सम अवयव क्या होगा, ये तो आप लोग बचपन से क्लास में पढ़े होंगे, योगफल का तत्सम अवयव क्या है, ये काफी, इसको मैं VVI कर सकता हूँ इस प्रश्न को, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए आप लोग कि यदि कोई वास्तविक संख्या पर द्विधारी संक्रिया परिभाषित है तो योगफल का तत्सम अवयव क्या होगा बच्चों, ठीक है। ये मोस्ट, यदि मुझे कहा जाए कि आप इस चैप्टर का टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चन बनाइए तो मैं इसे जरूर शामिल करूँ। तो कुछ बच्चे लोग का आंसर बी आ रहा है और कुछ बच्चे लोग का आंसर ए आ रहा है, तो मैं इसे याद करके बता दूं बच्चों कि हमारा योगफल का जो तत्सम अवयव होता है ना, याद रखिएगा, योगफल का जो तत्सम अवयव होता है वो बच्चों हमारा क्या होता है, शून्य होता है। चूंकि देखिए, एक में आप जीरो को जोड़ दीजिएगा तो आपको एक ही प्राप्त होगा, ठीक है। इसके रिजल्ट में कोई कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न भी आपके सामने आ गया। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है बच्चों, कहता है कि यदि नंबर ऑफ ए, यानी ए में अवयवों की संख्या 3 है और बाइनरी ऑपरेशन जो है ए पर परिभाषित है तो कुल द्विधारी संक्रियाओं की संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन है बच्चों 2^3:3, दूसरा है 3^2:2, सी है 2:3D none। तो पहले इसका आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं इसका आंसर करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे हिसाब से बच्चों, ठीक है। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में मात्र 30 सेकेंड आपको दूंगा, उसके बाद आंसर इसका करनी, चूंकि इस चैप्टर से हमारा एक और एक या दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, इसलिए मैं बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर पर आऊंगा और आपके साथ एक से एक ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, एक से एक टिप्स लेकर आऊंगा, ठीक है। और यदि बच्चों आपको कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए 12th क्लास की, तो हमारे आप प्ले स्टोर में जाओ, हमारा लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस का डाउनलोड करो और मात्र 300 रुपये में हमारे साथ पूरे साल आप पढ़ सकते हो। उसमें वीडियो लेक्चर आपका विद PDF ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट सब मिलेगा, ठीक है। और उसमें वीडियो क्वालिटी जो होगी आपको काफ़ी उत्तम होगी। तो चलिए बच्चे, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना भी शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ए कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ बच्चों, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कुल द्विधारी संक्रियाओं की संख्या, ठीक है, कुल द्विधारी संक्रियाओं की संख्या, संक्रियाओं की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो होता है 2^ नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ ए होता है बच्चों, ठीक है। इस फॉर्मूला पर हिसाब से 2^3×3 कर सकते हो या 2^ आप 9 भी कर सकते हो, ये भी आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ूं, चलिए बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन पर डे की तरह आज भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा शानदार प्रश्न हो जाए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बच्चे हमेशा एग्जामिनेशन में आता है तो धोखा खा जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपको स्क्रीन बोर्ड पे आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लूँ, देखिए क्या कहता है। कहता है यदि द्विधारी संक्रिया क्यू पर परिभाषित हो, क्यू मीन्स यहाँ परिमेय संख्या होगा, मैं बता दूं कि यहाँ क्यू बराबर जो होगा बच्चों ये परिमेय संख्या होगा, क्यू बराबर जो होगा परिमेय संख्या होगा। तो कहता है जहाँ ए ऑपरेशन बी बराबर 1+A×B+A+B है तो 2/3 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन 8 और डी है 6। इस क्वेश्चन में आपका वेट करूंगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका आंसर किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में बनानी है बच्चों, क्योंकि ये भी काफी बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों में बच्चे फंस जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और चूंकि बहुत ही आसान टॉपिक है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन ही द्विधारी संक्रिया, तो देखिए इसमें जो बच्चे जो है ऑप्शन करना शुरू भी कर दिए, कुछ बच्चे ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। चलिए मैं देखता हूँ क्या होना चाहिए। तो देखिए हमारा ए ऑपरेशन बी बराबर है, जो 1+AB और ये दिया हुआ a+B दिया है, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको आप पहला मान लो, ठीक है, और इसको दूसरा मान लो, यानी पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है 1+ पहला गुना दूसरा
एक प्लस पहला गुना दूसरा, आप प्लस हो गया पहला और प्लस हो गया दूसरा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, यानी कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है दो ऑपरेशन तीन, यानी कि इसको पहला मान लो और इसको दूसरा मान लो, तो ये हो जाएगा एक प्लस दो गुने तीन प्लस हो जाएगा दो प्लस तीन, यानी कि हो जाएगा एक प्लस छः प्लस पाँच, यानी कि हो जाएगा छः छः बारह। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसे मिलान कर लो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और पांचवें नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न है, पहले इसको देख लीजिए समझ लीजिए। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि एन पर बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए और बी का एलसीएम है, तो दो ऑपरेशन तीन का वैल्यू क्या होगा। यानी कि यहाँ द्विधारी संक्रिया जो है हमारा लघुत्तम समापवर्तक को शो कर रहा है, तो आप लोग को पहला ऑप्शन है जो बच्चों ये छः है, दूसरा आपका नाइन है, तीसरा एट है, डी नन है। तो आपको मैं इसमें वेट करूंगा, आप लोग इसका जवाब दो, फिर मैं इसका आंसर करूंगा। चूंकि ये भी क्या है ना, काफी अच्छा प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है बच्चों, तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत आ रहे या सही रहे जो भी आपको आता है, हमारे टेस्ट सीरीज में हमारे साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए और हमारी बातों को फॉलो कीजिए, और जिसमें मैं वीवीआई करूं या फिर जिसको मैं लगे कि हमारा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है उसको सटीक आप नोट कर लो। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसका ऑप्शन करना शुरू कर दिए हैं और इस बार 50% से वो बच्चे ए ऑप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए ऑपरेशन बी बराबर ना बच्चों, ए और बी का एलसीएम है, ए और बी का क्या है तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्त है, तो हमारा यहाँ पे दो ऑपरेशन तीन है, तो दो और तीन का एलसीएम, दो और तीन का एलसीएम निकाल दो, दो और तीन का एलसीएम छः आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पांचवा प्रश्न हो गया इस सेशन का बच्चों। ठीक है, अब हम छठे प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने मैं रखता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए छठा प्रश्न भी आ गया आपके सामने। तो छठा नंबर प्रश्न क्या है, कहता है यदि एन पर, छठा नंबर प्रश्न, यदि एन पर बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित है जहाँ ए ऑपरेशन बी बराबर ए और बी का एलसीएम हो, तो तत्सम अवयव ज्ञात करें, ये वीवीआई प्रश्न साबित हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। पहले आप इसको अपना प्रैक्टिस करके इसका आंसर बताओ, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। क्योंकि यहाँ एन का मतलब प्राकृतिक संख्या है बच्चों, यदि किसी बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही हो तो मैं बता दूं कि यहाँ एन बराबर जो होगा ये हमारा प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आप जानते हो कि काउंटिंग नंबर होता है, यानी कि एक से जब काउंटिंग हम शुरू करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर करो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये काफी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, और इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग फटाफट इसका जवाब दो। तो कुछ बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसका आंसर गलत भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है बच्चों। ठीक है, पहले आप इसको इत्मीनान से इसका आंसर करो, क्योंकि इसमें इस चैप्टर से एक या दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए ऑपरेशन बी बराबर है ए और बी का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम है बच्चों। ठीक है, तो तत्सम अवयव के लिए हमारा जो शर्त है उसे याद रखिए कि ए ऑपरेशन ई बराबर जब ए हो जाए, तो यहाँ ई जो है ना ये तत्सम अवयव है, ई जो है हमारा तत्सम अवयव है, तो यहाँ ए ऑपरेशन ई। ठीक है, तो यदि ए और ई का एलसीएम निकाला जाए तो ए इंटू ई होगा। ठीक है, और बराबर ए हो गया, ए कट गया बच्चों, ई बराबर हमारा एक हो गया, यही हमारा हो गया तत्सम अवयव, यही हमारा क्या हो गया तत्सम अवयव। ठीक है, चूंकि यहाँ ए और बी का मतलब ए और बी का एलसीएम है, तो ए ऑपरेशन ई का मतलब ए और ई का एलसीएम, तो एलसीएम आपका यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं
और सातवें प्रश्न की ओर है। ये सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया और इसका आप लोग जवाब दो कि इसका आंसर क्या होगा। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए सातवां नंबर प्रश्न क्या है, एन पर, एन मीन्स फिर प्राकृतिक संख्या हो गया, पर बाइनरी ऑपरेशन द्विधारी संक्रिया परिभाषित है जहाँ ए ऑपरेशन बी बराबर ए और बी का एच सी एफ है, तो तत्सम अवयव क्या होगा। पहला ऑप्शन शून्य है, दूसरा एक है, तीसरा परिभाषित है, डी नन है बच्चों, ठीक है। तो इसका पहले आप लोग जवाब दो, फिर मैं इसका आंसर करने वाला हूँ जल्दी से आप लोग। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं, आपके भाई हो, बहन हो, सहपाठी हो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मैं इसका आपको आंसर देखना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ वो आंसर करना शुरू कर दिए, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तत्सम के लिए क्या शर्त है, तत्सम के लिए क्या शर्त है सो देखिए। तत्सम के लिए शर्त है बच्चों कि ए ऑपरेशन ई बराबर हमारा ए हो जाए, और यहाँ ऑपरेशन का मतलब है एच सी एफ महत्तम समवर्तक। तो देखिए ए और ई दोनों अलग अलग है, तो इसका एच सी एफ आपका 1 हो जाएगा, यानी कि तत्सम अवयव इसका नहीं निकलेगा बच्चों, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि जब हम बाइनरी ऑपरेशन हमारा महत्तम समवर्तक दिया हुआ रहेगा तब तत्सम अवयव कहेगा क्या होगा, तो डायरेक्ट अपरिभाषित में टिक मारना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और आठवें प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं, ठीक है, कि हमारा आठवां नंबर प्रश्न क्या है। तो आठवां नंबर प्रश्न देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। चलिए देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि यदि एन पर बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित है जहां ए ऑपरेशन बी बराबर ए और बी का एलसीएम हो, तो एन का व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा, ठीक है। इस तरह का ही प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है बच्चों, पहले इसका आप जवाब दो फिर मैं इसका आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी है बच्चों, ठीक है। इसलिए जल्दी से आप लोग इसका जवाब दो फिर मैं इसका आंसर करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं, चलिए कोई कुछ बच्चे 0 कर रहे हैं, कुछ बच्चे 1 कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी इस बार कर रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चों। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ताकि आपको स्पेस ज़्यादा समझ में आए। डायरेक्शन दे दिया हूँ तीर का, वहाँ पे देखिए। तो देखिए हमारा क्या है कि यदि कहता है ए ऑपरेशन बी बराबर ई हो जाए, ठीक है, तो बी को ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं, तो यहाँ एल सी एम है, तो ए इंटू बी का एल सी एम ए बी हो जाएगा, बराबर ई होगा। ई हमारा जो है ना यहाँ पे तत्सम अवयव है बच्चों, ये हमारा क्या है तत्सम अवयव है। इसके जस्ट पहले हमने निकाला है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हमारा तत्सम अवयव जो होगा ये हमारा एक होगा, तो आप इसको एक कर दो, यानी कि हमारा जो होगा बी बराबर जो होगा 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये 1/a भी क्या होना चाहिए बच्चों, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और बी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी संभव है जब हमारा ए बराबर 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ व्युत्क्रमणीय एन पर यदि एलसीएम परिभाषित है तो उसका व्युत्क्रमणीय अवयव सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है बच्चों। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, कहता है यदि बाइनरी ऑपरेशन आर पर परिभाषित हो तो गुणनफल का तत्सम अवयव क्या होगा, गुणनफल का तत्सम अवयव क्या होगा, ठीक है। तो इसका जवाब दो आप लोग, चूंकि पहले हम लोग योगफल का तत्सम अवयव पढ़ चुके हैं बच्चों, तो गुणनफल का तत्सम अवयव क्या होगा, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हो कि हमारा गुणनफल का तत्सम अवयव क्या होता है। पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है एक, तीसरा ऑप्शन है -1, डी है आपका नन बच्चों, ठीक है। तो आप इसका जवाब दो कि इसका आंसर क्या होगा, मैं आपका इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि आप 12th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो हमारे प्ले स्टोर पर जाइए आप, वहाँ पे हमारा लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेज, उसको डाउनलोड कीजिए, और हमारे कोर्स का फी है मात्र 300 रुपीज़, उससे
आप 300 रुपीज़ में आप पूरे 1 साल तक कंप्लीट सॉल्यूशन। उसमें फायदा क्या है आप लोग को जुड़ने से कि आपका उसमें वीडियो क्वालिटी, वीडियो लेक्चर, PDF, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब आपको उसमें मिलेगा, और प्रत्येक चैप्टर का आपको A to Z प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन बी कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, गुणनफल का तत्सम अवयव जो होता है 1 होता है। तो चुक देखिए, 1 गुना 1, कोई अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी कोई 2 वास्तविक संख्या उसमें 1 से गुना कर दीजिए तो उसका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 1 जो होता है हमारा गुणनफल का तत्सम अवयव होता है। इसे आप याद कर लो। ठीक है, और बच्चों हम बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। और 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने हम रख दिए। पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और फिर इसका जवाब करूंगा कि देखिए क्या है। कहता है कि यदि आर पर द्विधारी संक्रिया, यदि आर पर द्विधारी संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी माइनस वन हो, तो तत्सम अवयव क्या होगा? तत्सम अवयव क्या होगा? आप जरा जल्दी से इसका जवाब दो। ठीक है, क्योंकि ये भी काफी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छा प्रश्न लग रहा होगा। और इसी सब प्रश्न बच्चों लोग को परेशानी होती है, इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ, मेरा ये 10 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन जज करके लाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना, कुछ बी भी कर रहे हैं, कुछ सी भी कर रहे हैं, कुछ ए भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ए ऑपरेशन ई बराबर हमारा ए हो जाए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, पहले देखेंगे। ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी और माइनस वन दिया हुआ, तो इसको आप पहला मान लो और इसको आप दूसरा मान लो। तो पहला ऑपरेशन दूसरा, और क्या दिया हुआ है? दिया है बच्चों पहला प्लस दूसरा और माइनस वन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं ए ऑपरेशन ई। ठीक है, तो ए हो गया पहला और ई हो गया दूसरा और ये -1। ठीक है, अब बराबर हमारा ये शर्त हो गया, ये जो है हमारा शर्त होता है। ठीक है, बराबर ए हो गया बच्चों, तो ए और ए कट गया और ई -1 बराबर 0 हो गया, यानी कि ई बराबर 1 हो गया बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर डी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि इस तरह का प्रश्न का तत्सम अवयव जो होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, यदि इसी प्रश्न में एक और क्वेश्चन बढ़ा दूं मैं आगे, ठीक है, कह दे बच्चों कि इसका व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा? व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा? चूंकि तत्सम अवयव निकल गया है, तो देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए क्या है, ए ऑपरेशन बी बराबर हमारा ई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस वन और ये बराबर ई है, और ई का जस्ट अभी वैल्यू निकाले हैं कि ई का मान क्या होता है बच्चों, तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी और -1 बराबर 1, यानी कि बी बराबर जो हो जाएगा 2 माइनस ए होगा। बी बराबर जो होगा 2 माइनस ए होगा, और यही हमारा क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से इस यदि क्वेश्चन पूछ देता कि व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, तो इस प्रकार से निकाल सकते थे। और जहां हमारा क्या है, ए भी हमारा आर है और बी भी हमारा क्या है, आर है। ठीक है, इस आर का मतलब यहाँ है वास्तविक संख्या। आर का मतलब क्या है, तो वास्तविक संख्या है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का प्रश्न आपको समझ में बखूबी से आ रहा होगा। ठीक है, और चूंकि इस चैप्टर में प्रश्नों की संख्या कम, मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि 1 से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है बच्चों। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको पहले बुक खत्म करूंगा, उसके बाद दूसरे बुक के ऑब्जेक्टिव की ओर प्रस्थान करूंगा। तो पर डे आप 11 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव ऑब्जेक्टिव विथ टेस्ट सॉल्यूशन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे लाइव सेशन होंगे उसमें मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ और आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। क्योंकि देखिए हमारे आप एग्जामिनेशन में जो है ना, आप चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो, एमपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इस प्रकार 10% ऑब्जेक्टिव, 10% ऑब्जेक्टिव जो है इस बार
इस बार क्या है, ज्यादा पूछने वाला है, ठीक है, और 25 से 30% आपका सिलेबस ऑफ होगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ज्यादा ध्यान दें, और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो और 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक अभी से प्रैक्टिस करो बच्चों, और मेरी बात मानो, आप अच्छे अंक एग्जामिनेशन में जरूर लाओगे। तो बच्चों आज का क्लास मैं इतने ही तक रहने देता हूँ, मिलते हैं बच्चों हम अगले क्लास में, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।